पेरेंट्स, दिस इज नीलम, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉलिक पेन, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉलिक एंड गैस की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोता रहता है, रात रात भर तक रोता रहता है। बच्चे को परेशान रोता देख के कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, इस कॉलिक और गैस की जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि 6 मंथ तक का जो बच्चा होता है वो फुल्ली मिल्क पे ही डिपेंडेंट होता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती क्योंकि 6 मंथ तक का बच्चा सिर्फ लेटा ही रहता है। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से गैस पास नहीं हो पाती है और इस वजह से बच्चे को कॉलिक पेन होता है और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। पुराने टाइम में हमारी दादी नानी मम्मी वगैरह बोलती थी कि बच्चे की एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे के पेट की मसाज होनी चाहिए, हाथ पैरों की एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे जो बच्चे की गैस है वो पास हो जाए और बच्चे को कॉलिक पेन ना हो। बट अगर कॉलिक पेन होता है तो बच्चे की जो है हींग पीस के लगाया जाता है, सौंफ को कुछ इस तरह से जो है होम रेमेडी से बच्चे का जो कॉलिक पेन ठीक किया जाता है। बट आजकल की बिजी लाइफ में किसी को इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चा अगर कॉलिक पेन से रो रहा है तो किचन में जाके कुछ इस तरह की रेमेडी बनाई जाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब बच्चा कॉलिक पेन से रो रहा होता है तो उस टाइम पे कॉलिक पेन ही नहीं, बच्चा किसी भी दर्द से रो रहा है तो पेरेंट्स को बस ये लगता है कि किसी तरह से बच्चे को जल्द से जल्द रिलीफ। तो अगर आपका छोटा सा बच्चा कॉलिक पेन की वजह से रो रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द रिलीफ दिला सकते हो। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये ममा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन और ये वैसे ही वर्क करता है जैसे कि हींग एंड सौंफ का पेस्ट। इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जो आइडियाज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है हींग ऑयल, सौंफ ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, जिंजर ऑयल, ऑयल बेस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं जो कि कॉलिक पेन से अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उससे आपके बच्चे को जल्द से जल्द रिलीफ दिला सकता है। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 40 ml है एंड ये आप जो दे सकते हो अपने बच्चे को 3+ month के बच्चे को दे सकते हो, मतलब 3 महीने से अगर आपका छोटा बच्चा है तो उस पर आपको ये नहीं यूज़ करना है। 3 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा है तभी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। ममा अर्थ का प्रोडक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। ममा अर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, बेबी प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप यूज़ आई थिंक कर भी रहे होगे। तो ये ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। इसको आपको इस तरह से ट्विस्ट करके खोलना है और इसके अंदर है ये रोल ऑन और इसकी फ्रेग्रेंस से ही आप जो है फिगर आउट कर सकते हो कि इसमें हींग की फ्रेग्रेंस है और सौंफ की फ्रेग्रेंस है तो कुछ पेपरमेंट की भी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें, तो कुछ इस तरह की बहुत ही जो है माइल्ड फ्रेग्रेंस है। तो आप इसको इस तरह से पहले शेक कर लेना है, देन आपको इस तरह से अपने बेबी की टमी में जो नेवल है वहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है और आपको जो है आपके बच्चे को इंस्टेंट असर देखने को मिलेगा। इन केस आपके बच्चे को नहीं रिलीफ मिल रहा है तो आपको 20 और 30 मिनट के बाद दोबारा से इसको अप्लाई करना है। तो आपको जो है 2-3 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एंड 20-30 मिनट का जो है गैप होना चाहिए। एंड फर्स्ट और सेकंड अप्लाई में ही आपके बच्चे को काफी रिलीफ मिल जाएगा। इससे नो मिनरल ऑयल एंड एल्कोहल है एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो जो इसका प्राइस है वो 249 rupees है। मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया था, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो एंड अगर आप इसको अमेजोन या फर्स्ट क्राई से परचेज करोगे तो आपको इसमें काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो 3 साल है तो ये आप बिल्कुल ही सेफ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये आपके बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगा गैस एंड कॉलिक। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।